नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय स्थित माँ शारदे एवं कस्तूरबा आवासीय बालिका छात्रावास का किया एसडीएम ने निरीक्षण। मोटी रोटी मिलने पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि छात्रावास में नहीं चलेंगे हनुमान रोड। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर उपखंड अधिकारी ने हॉस्टल वार्डन को लगाई फटकार, जारी किया कारण बताओ नोटिस। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका एम शारदे बालिका छात्रावास का उपखंड अधिकारी सुरेश केएम ने आश्याम औचक निरीक्षण कर छात्रावास में बेटियों को मिल रही सुख सुविधाओं का मुआयना किया। उपखंड अधिकारी सुरेश केएम निरीक्षण के तहत श्याम होने पर अचानक कस्तूरबा आवासीय छात्रावास में पहुंचे, जहां छात्रावास में एक ही बेड पर दो दो बालिकाएं बैठी नजर आई। साथ ही पढ़ाई के दौरान उचित लाइट व्यवस्था नहीं होने पर उपखंड अधिकारी ने केजीबी के स्टाफ को फटकार लगाई। नवबारा समाचार मेड़ता से तेजाराम लाडनवा। ठीक है, ऐसी रोशनी ज्यादा मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, रोशनी ज्यादा हो अच्छे से हो, ताकि बच्चों की आंखों पर कम से कम भार पड़े। ठीक है, सर ये तो गिलाने के लिए फर्नीचर आया जो अभी मेहनत करेंगे, रूम्स वगैरह आ जाए उसके बाद। ट्यूबलाइट लगा दो, दो सामने सामने। अच्छा फिटिंग यहाँ दूसरी करवाऊँ? सामने करवा दो फिटिंग, और क्या करवा देंगे, ताकि इस बेटी को रोशनी वहां से कम मिलती है। ठीक है ना, कम से कम ज्यादा से ज्यादा रोशनी होनी चाहिए, ताकि ये बेटी आराम से पढ़ रही, उधर वाली बेटी को पता नहीं चल रहा। तो यहाँ रोशनी देखो, कमरा बेटियों का कमरा है तो रोशनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। दोनों साथ सोते हो? क्या मिलता सुबह नाश्ता में क्या खाते हो? नमकीन सब्जी कैसी बनी आज है? रोटियां कौन बनाता भाई? ये हनुमान जी की रोट नहीं पसंद आएगी मुझे, जो भी आप है हनुमान जी की रोट बंद करो। सही, ठीक है ना, ये रोटियां नहीं है, रोटा है, ये नहीं पसंद आएगा। जो भी आपका कुक है ना, उनको बोल दो ये रोटियां रोटी किस तरह बना के, नहीं एक दो बेटी को बोल दो, बता दे कि बना के, बेटी बनाना था ना वैसी रोटी, उनको बोलना कि ऐसी रोटी मेरे को चाहिए। ठीक है ना, ऐसे रोट नहीं चाहिए। और सब्जी में सीजनेबल सब्जी बनती है। शाम को क्या सब्जी बनती बेटा, क्या खाते हो शाम को? खाने की डाइट से ज्यादा खाना कम होता क्या भाई? जब आप किसी चीज पसंद की हो ज्यादा खाते हो ना, दाल भी खाते हो? पढ़ना पड़ता है। नीचे बैठो बैठो, मैं कह रहा हूँ ना आपको, बैठ जाओ, बैठो ताकि मैं आपसे आराम से बात कर सकूँ। दिक्कत है तो समाधान तो करना ही पड़ेगा। बच्चियों का कोचिंग वगैरह मतलब एक तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्या बेटा क्या केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या समस्या आ रही है? स्कूल में कम समझ आता है कोचिंग करने में। यहाँ कोई कोचिंग सेंटर है? अभी तक तो कुछ पता नहीं, अलाउ नहीं है बाहर जाना। और वो लोग कह रहे कोई है ही नहीं यहाँ पर, में तो और फिर बाहर से आया वो स्कूल टाइम बात कर रहे हैं तो सर सुबह ऐसी लेडीज 7 बजे यहाँ उपस्थित हो जाए, ऐसी कहाँ से बहुत समस्या आ रही मेरे साथ। ये तो सही है सर, ये भी सही है, उसमें इंटरनेट रिचार्ज करा हूं अपन और ऑनलाइन YouTube। ठीक है बेटा, यस सर। ओ ये बायजू समझते हो ना, वो अपलोड करवा देंगे। ओके, ऑनलाइन क्लासेस 2 घंटा, फिर कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज की, ऑनलाइन क्लियर हो गया। मैंने मेरी 200 सर आए थे, फिर सीडीओ सर भी आए थे, जब मैंने उनके सामने भी ये रखा, मैंने सर अब क्या है, या तो मैं यहां बायजू मैं तो हो गया, बायजू ऑनलाइन उसका रिचार्ज करवा देंगे। बेटी बैठी बड़ी तैयार है, तैयार है। ठीक है बेटा, और कोई दिक्कत उसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी कोई बढ़िया, बाकी तो सर अभी तक ड्रेस वगैरह नहीं आई है। ड्रेस मैं पूछ लिया, करता हूँ ये चीज हम लोग कर देंगे। ठीक है ना, बाकी पढ़ाई की कोई समझे आपने बोला वो मैं 1-2 दिन में आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, वो आपकी LCD लगी हुई रहेगी,
ताकि वो ऑनलाइन चलती रहेंगे, आप बैठ बैठा समझते रहो तो बेटर सोल्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा। सर खाना मेन्यू के अनुसार नहीं मिलता, गलत बात है। खाना तो मेन्यू में मिला, बोला डायरेक्शन में देख सकते हैं सर। वही कल से ऐसा करो कि भाई सूर्या शाम को खाना भी खा लूंगा। बिल्कुल सर, ठीक है, ताकि बेटियों के साथ साथ मैं भी खाना खा लूंगा यार, पता चले भाई सब्जी क्या बनती है, खाना कैसे बनता है। ठीक है, और कोई बेटा और कोई रोशनी का मैं बोल दिया, बाकी आपका मैं वो जो आपको कम समझ में आता वो भी मैं चेक कर लूंगा। बाकी हो तो आप हमारे साथ ही हो बेटियों, जब भी लगे कि मेरे नंबर सेव कर लो, जब भी लगे कि हाँ, बट मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि सर ये सब मेरे साथ।